लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 16 दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 10th इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग एजेस इन इयर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, हमें एजेस दे रखी हैं 30 स्टूडेंट्स की यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल, और हमें इक्वल क्लास इंटरवल यूज करना है. वन ऑफ देम बीइंग 9 to 12, उसमें से एक बता रखा है उसने 9 to 12 है, जिसमें वेयर 12 इज नॉट इंक्लूड. 9 to 12 क्लास इंटरवल में 12 इंक्लूड नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे, टेली मार्क लेंगे, टेली मार्क, और हमारा क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए या फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, राइट. अब हमें 9 to 12, देखिए 3-3 का डिफरेंस है, राइट. तो हम 0 to 3 लेंगे, 3 to 6 लेंगे, 6 to 9 लेंगे, 9 to 12 लेंगे, 12 to 15 लेंगे, 15 to 18 लेंगे, एंड 18 to 21 लेंगे, 21 to 24 लेंगे. अब देखते हैं, सबसे पहला है 18 कहाँ लाया करेगा, 18 to 21. नेक्स्ट इज 12 कहाँ लाया करेगा, 12 to 15. क्यों, क्योंकि 12 इसमें इंक्लूड नहीं है, इधर है तो इधर इंक्लूड होगा, राइट. फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया है कि अगर 0 to 3 इंटरवल है तो 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0, 1 and 2 इसमें इंक्लूड है, राइट. तो 7 कहाँ इंक्लूड होगा, 6 to 9 में. 6 कहाँ इंक्लूड होगा, 6 to 9 में अगेन. 11 कहाँ इंक्लूड होगा, 9 to 12 में. 15 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 18 में. 21 कहाँ इंक्लूड होगा, 21 to 24 में. 9 कहाँ इंक्लूड होगा, 9 to 12 में. 8 कहाँ इंक्लूड होगा, 6 to 9 में. 13 कहाँ इंक्लूड होगा, 13 होगा 12 to 15 में. 15 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 18 में. 17 भी 15 to 18 में. 20 to 21 to 24 में. 19 कहाँ होगा, 18 to 21 में. 14 कहाँ इंक्लूड होगा, 14 इंक्लूड होगा 12 to 15 में. 21 to 24 में. 23 भी 21 to 24 में. 8 कहाँ इंक्लूड होगा, 6 to 9 में. 12 कहाँ इंक्लूड होगा, 12 to 15 में. 17 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 18 में. 15 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 18 में. 6 कहाँ इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड होगा 6 to 9 में. 18 कहाँ इंक्लूड होगा, 18 हमारा इंक्लूड होगा 18 to 21 में. 23 कहाँ इंक्लूड होगा, 21 to 24 में. 22 कहाँ इंक्लूड होगा, 21 to 24 में. 16 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 81 में. 9 कहाँ इंक्लूड होगा, 9 to 12 में. 21 कहाँ इंक्लूड होगा, 21 to 24 में. 11 कहाँ इंक्लूड होगा, 9 to 12 में. एंड 16 कहाँ इंक्लूड होगा, 15 to 18 में. फ्रेंड्स इन दोनों में कुछ नहीं है, तो 0, 0 आ गया. अब चाहे तो इसको लिखें और चाहे नहीं लिखें, राइट. अब ये कितने हुए, 5, 4, अगेन 4, 5, 6, 7, 3 and 5, 6, 7. अगर आप इसे काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है, 10, 21, 25 and 30. और हमारे स्टूडेंट्स कितने थे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है द एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो 30 स्टूडेंट्स का ही था. दिस इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.